वेलकम बैक टू माय चैनल उड़ान विद अनु। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सुबह सुबह किचन पे आ गई हूँ। खूब सारा मलाई जमा हो गया था दूध के ऊपर, तो मैंने जल्दी से उसे निकाल लिया है। और उसके बाद मुझे थोड़ी सी चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने आज चाय पी लिया है। काफ़ी दिनों के बाद ही मैं पी रही हूँ चाय। और उसके बाद मैं यहाँ पर अभी निकालूंगी घी। तो उसके लिए मक्खन को मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। और घी बनाने की पूरी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दिया हुआ है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक लिया है और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बैटर भी बना लिया है डोसा के लिए। और यहाँ पे हमारी घी भी बन रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और साथ में बेटे का मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है। बेटा मेरा रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए। कुछ दिनों से गर्मी के चलते वो हल्का फुल्का ही टिफ़िन लेता है। और क्या आपने देखा है दोस्तों, इस तरह का आलू हार्ट शेप का नहीं देखा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा है। फिर मैं आ गई किचन पे नाश्ता बनाने के लिए। तो आज आलू के पराठे बनेंगे, तो उसके लिए मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ी सी ग्रीन चिली लिया है। अच्छे से मैंने इसको चॉपर में चॉप कर दिया है। और हम क्या करेंगे, उबले हुए आलूओं को ले लिया है हमने, और साथ में हमने जो चॉप किया था वो थोड़ा सा डाला, नमक डाला है, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, हींग, रेड चिली पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर, इन सब को हम कर लेते हैं अच्छी तरीके से मिक्स। आपके पास अगर धनिया पत्ती है तो आप इसे यहाँ पर डाल सकते हैं। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी पराठे बना लिए हैं गर्मा गर्म। और साथ ही साथ हम बनाएंगे मूंगफली की चटनी। तो मैंने मूंगफली और लहसुन को तेल में फ्राई कर लिया है, नमक डाल के उसे ग्राइंड कर लिया, साथ में है पुदीने की चटनी। तो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। यहाँ पे दो बैग जो था, एक वॉशिंग मशीन के ऊपर का कवर और बैग उसका चैन टूट गया था, तो वो मैंने बनवाने के लिए दे दिया। साथ में घर पे आई है खूब सारे आम। अभी आम का सीज़न जाने वाला है, तो जल्दी जल्दी हम आम खा लेते हैं। तो पानी में मैंने भिगो के रख दिया है आम को। और यहाँ पे देखिए, सारे जितने भी डब्बे में थोड़े बहुत सामान थे ना, वो सब मैंने धूप में डाला हुआ था। और जैसे ही मैंने धूप में डाला ना, उसके कुछ ही टाइम के बाद, शायद 20-25 मिनट के बाद, अचानक से मौसम ने अपना रुख बदल दिया है, यानी कि मौसम ख़राब हो चुका है। सूरज एकदम गायब हो चुका है और पूरा बादल आ गया है। पता नहीं कब अचानक से बारिश कर देगा और मैं सामान पता नहीं ले पाऊंगी या नहीं अंदर। तो बुद्धिमानी है कि मैं अंदर ले जाती हूँ। तो सारे डब्बे मैं अंदर ले आई थी और बेटे को मैंने लगा दिया है काम पे। सारे डब्बे में वो कवर लगा रहा है, कवर लगा दिया था बेटा ने। तो जल्दी जल्दी मैंने उसको यहाँ पर रखना स्टार्ट कर दिया है और फटाफट से मैंने सेट भी कर लिया है। तो अब अच्छी लग रही है डब्बे सारे मेरे। उसके बाद फिर मैं किचन पे दोबारा लग गई हूँ। यहाँ पे मैंने केले से बनाया था पुआ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे आज मैंने खिचड़ी बनाया है, बहुत ही टेस्टी वाला। और क्योंकि थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह खाना चाहिए बीच बीच में, हर किसी को खाना चाहिए, बहुत हेल्दी भी रहता है और अच्छा भी रहता है। आलू का भरता भी मैंने बनाया है, तो आज हमारे लंच पे होगा खिचड़ी, आलू का भरता, आम और साथ में खीरा। तो हमारी सुपर टेस्टी लंच की थाली लग चुकी है। और यहाँ पे एक तिरपाल आया है बड़ा वाला, क्योंकि इसको हमें लगाना है पीछे तरफ, क्योंकि बारिश अभी स्टार्ट होने वाला है, मॉनसून आ चुका है। बारिश पता नहीं कब अचानक से ज़ोर से हो जाएगा, तो ये पोर्शन पूरा खाली पड़ा हुआ है, उधर से बहुत पानी आता है। और देखिए, पिछली रात में बारिश भी हुआ था, तो नीचे अभी भी पानी पूरा भीगा हुआ है। और बाहर में यहाँ पे आ गया है, तो देखिए कितना अच्छा छोटा सा पौधा में खूब सारे फूल में, फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा फूल हुआ था। और यहाँ पे पीछे तरफ लगा दिया गया है तिरपाल, लेकिन फिर भी अभी एक पोर्शन बाकी है जहाँ से पानी गिरता है नीचे। तो ये जो तिरपाल जहाँ पे एंड होता है ना, उसके बाद ऊपर में मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। तिरपाल के ऊपर में देखिए, जो आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, उसके और जो हमारा रूम है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, वहाँ से ज़ोर ज़ोर से पानी गिरता है। तो उसको कवर करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अलमीरा के ऊपर भी गिरता है, तो बस उसे किया जाएगा। और यहाँ पे मैं आ गई थी सारे कपड़े को प्रेस करने के लिए। जल्दी जल्दी मैंने जितने कपड़े हो सके मैंने फटाक से प्रेस किया। और यहाँ पे बगल में घर में फ्लैट में शादी हो रही थी, यहाँ पे सब ना एक ही तरह का ही डेकोरेशन करते हैं, घर पे फ्लैट पे इसी तरह का। और यहाँ पे मेरा बेटा मेरे को मेडिसिन दे रहा है, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी और मेडिसिन तो अभी चलेगा कुछ टाइम तक, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी मेडिसिन फिनिश कर लेती हूँ।
फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना, हम डिसीजन तो बहुत इजीली ले लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम थोड़ा टाइम सोच के अच्छे से फिर डिसीजन लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें अपने ही लिए हुए डिसीजन पे पछतावा होता है और हमें ऐसा फील होता है कि शायद हमने सही डिसीजन नहीं लिया है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैंने अपने चैनल के लिए डिसीजन लिया था कि मैं अनुज डायरी पे अब से करूंगी ब्लॉगिंग और उड़ान वी तनु पे ब्लॉगिंग बंद कर रही हूँ, कुकिंग की वीडियोस यहाँ पे जाएगी। फिर मैंने अभी कुछ दिन, और मैंने आप सभी को पहले ही अपडेट दे दिया था उसके बारे में, और उसके बाद अभी जो कुछ दिन से मैं ब्लॉग वगैरह नहीं अपलोड कर रही हूँ, ऐसे भी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी और थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम भी लग गया। अभी मैं कह नहीं सकती हूँ कि पूरी ठीक हूँ, लेकिन पहले से बहुत बेटर हूँ। अभी काम वाम भी कर ले रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा थक जा रही हूँ। लेकिन आप सभी से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी ब्लॉग कंटिन्यू रहेगी और ब्लॉग जैसे जाता था वैसे जाएगा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं अपने डिसीजन के बारे में ये कह रही थी कि मैंने जो डिसीजन लिया था कि उड़ान वी तनु पे मैं ब्लॉगिंग बंद कर रही हूँ, तो अभी मैं आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि मैं उड़ान वी तनु पे ब्लॉगिंग नहीं बंद करूँगी। मैंने अपने डिसीजन पे काफ़ी सोचा, काफ़ी सोचा, और मैंने ये भी सोचा कि क्या मेरा सही रहेगा उड़ान वी तनु पे ब्लॉगिंग बंद करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही उसमें ब्लॉगिंग किया है। स्टार्टिंग से चैनल का यही मैंने बनाया ही था, यही सोच के कि मैं इस पे ब्लॉगिंग ही करूंगी, और मैं सडनली उसको बंद कर रही हूँ तो शायद मेरे चैनल के लिए जस्टिस नहीं होगा। मैं उसके साथ सही नहीं कर रही हूँ, अपने चैनल के साथ सही नहीं कर रही हूँ। और ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं अनुज डायरी पे कभी कोई छोटा बड़ा या कुछ भी किसी भी तरीके का ब्लॉग नहीं डालूंगी और वहां पे पहले जैसे वीडियोज आती थी हेल्थ रिलेटेड उसी तरह की आएगी, ऐसा भी नहीं है। उस पे भी जाएगी कभी कभार कुछ भी, और दूसरे अलग अलग वीडियोस भी जाते रहेगी, लेकिन ब्लॉगिंग करूंगी तो प्रॉपर करूंगी और इसी पे ही करूंगी, उड़ान विद अनु पे। तो कैसे लगा दोस्तों मेरा ये वाला डिसीजन, आप सभी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरी आज की ब्लॉग अगर अच्छी लगी तो प्लीज दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलूंगी आप सभी से नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।